हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम हितेश और आप देख रहे हैं टेक अंजीव चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं वन प्लस 70 प्रो वन प्लस 8 ये लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो 2022 में एक्चुअली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो दोनों में से कौन आपको बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं करते था हूँ अपने रिबूट टेस्ट, तो दोनों में से कौन से पहले जल्दी से रिबूट करता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इन दोनों में से अगर मैं तो प्रोसेसर वाइज भी आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। दोनों में आपको स्नैपड्रैगन का एक प्रोसेसर मिल जाएगा, साल के बाद थोड़ा सा माइनस आपको अपग्रेड मिल जाएगा। वन प्लस 17 ने यहाँ पे वन प्लस 8 को बीट कर लिया है जो रिबूट टेस्ट में, जो उनसे जल्दी से आपको रिबूट करके दे दिया है। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे वन प्लस 8 में अभी भी माइनर आपको जैसा कि स्पीड में डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी तो इस रिबूट टेस्ट से हम किसी को जज नहीं कर पाएंगे कि कौन है एक्चुअली में रिबूट टेस्ट में आपको जो बेटर है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोनों में आपको जो रैम रोम का जो डिफरेंट मिल जाएगा। मैं गैलरी ओपन कर लेता हूँ जल्दी से, सेम टाइम दोनों ने ओपन की है अगेन कैमरा। यहाँ पे वन प्लस 8 ने जल्दी से कैमरा ओपन कर लिया। अगर मैं ब्राउजर खोलूँ तो वन प्लस 8 ने अगेन मैसेज सेम टाइम डायलर। वन प्लस 8 ने स्लाइटली थोड़ा सा आगे हो गया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ गीक बेंच 5, तो यहाँ पे हम दोनों की जो गीक बेंच भी टेस्ट कर रहे थे एक्चुअल में, जो कौन सबसे पहले जो गीक बेंच कंप्लीट कर लेता है उससे हम जो अगर स्कोर भी टेस्ट कर लेंगे तो उससे हमें दोनों का जो सिंगल कोर मल्टी कोर है तो उसका भी हमें रिजल्ट यहाँ पे कौन जल्दी से आपको जो टेस्ट है वो कौन सबसे पहले कंप्लीट करके दे देगा। यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा आपको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि ये टेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं तो वन प्लस 8 ने हमें 2 मिनट 23 सेकंड पे यहाँ पे टेस्ट है उसको कंप्लीट करके दिया है। अगर यहाँ पे मैं सेम यहीं पे बात करूँ तो वन प्लस 70 प्रो ने हमें 2 मिनट 30 सेकंड में हमें जो पूरा जो N22 का टेस्ट है जो गीक बेंच का वो हमने कंप्लीट करके दे दिया है। यहाँ पे अगर मैं स्कोरिंग की बात करूँ तो वन प्लस 70 प्रो गीक बेंच का स्कोर यहाँ पे सबवे सफर पर मैंने ओपन करके देखता हूँ कि कौन सबसे पहले ओपन करता है। वन प्लस 8 ने पहले जो ओपन कर लिया तो उतना ज़्यादा अगर स्पीड में अगर आप फ्रेंड्स अगर देखें तो उतना ज़्यादा आपको कुछ डिफरेंट इन दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। में गूगल कई बार क्या होता है वन प्लस मास्टर लोडिंग कुछ ऐप को करके दे देता है कहीं आपको वन प्लस 70 प्रो। यहाँ पे मैं यूट्यूब खोल के भी देखता हूँ, यहाँ पे जैसे कि आप यूट्यूब में वन प्लस 70 प्रो ने हमें जल्दी से आपको लोड करके दे दिया। कैलेंडर है उसमें भी यहाँ पे मैं कुछ रैंडम नंबर्स टाइप कर लूँगा तो इससे हमें रैम मैनेजमेंट टेस्ट करेंगे तो उसमें बेटर हमें रैम मैनेजमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा जो स्पीड टेस्ट है वो तो भाई पबजी में होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि इन दोनों में से कौन सा भाई स्मार्टफोन मुझे जल्दी से पबजी लोड करके दे देता है। तो GMA दोनों में भाई सेम टाइम पे ही लोगों आ गया, पता नहीं कौन ओपन करके देखा था भाई, अभी भी सेम टाइम ही पे दोनों जा रहे हैं। दोनों ने यहाँ पे सेम टाइम पे BGMI जो है उसको लोड करके दिया। फिर यहाँ पे मैं ग्राफिक की भी बात करूँ तो हमें BGMI मैक्स ग्राफिक जो सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि अभी 90 FPS का सपोर्ट आ गया है, हमें किसी में हमें 90 FPS का सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं गेमिंग के दोनों का गेमिंग टेस्ट या बैटरी टेस्ट भी लेके आऊँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं दोनों का जल्दी से आपको गेमिंग टेस्ट और बैटरी टेस्ट दोनों भी आपको दे दूँगा। तो जल्दी से इन दोनों का रेमिनी देख लेते हैं, इसका जो एक्चुअल में रेमिनी जो तगड़ा है। वन बाई वन एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, जैसे ट्रेलर में भी डिस्कच हो गया। सॉरी, यहाँ पे मैं N22 खोल के भी देखता हूँ तो जैसा कि वन प्लस 8 N22 का वो रिलोड करके दे दिया, तो यहाँ पे वन प्लस 7 रेमिनी बेटर यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे मैं प्ले स्टोर खोल के भी देखता हूँ सेम मिले। तो यहाँ पे मैं सबवे सर्फ को भी ओपन करके देता हूँ तो अगेन यहाँ पे वन प्लस 8 ने
कंपेयर टू यहाँ पे कंप्लीट बीट नहीं कर पाया वन प्लस सेवन टी को। YouTube को भी OnePlus 8 ने एक बार और रीलोड करके दे दिया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कैलकुलेटर तो यहाँ पे दोनों ने सेम ही रिजल्ट है। और हम जो अगर मैं बात करूँ जो आप बजट या 20 या 18 से 20 तक का है तो आप OnePlus 7 टी प्रो की तरफ ही जा सकते हैं, क्योंकि देख लिया स्पीड टेस्ट में अपनी जाहिर सी बात है आपको OnePlus 8 से आपको बेटर रैम मैनेजमेंट मिल जाता है। उतना ज़्यादा कुछ इन दोनों में डिफरेंट तो नहीं मिल जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिग कन्फ्यूजन कब होता है कि अभी मान लीजिए आपका बजट 20 या 22 हज़ार में है, आपको एक बार तो जरूर से ख्याल आता है कि भाई 20 से 22 हज़ार में मैं सेकंड हैंड मोबाइल लूँ या नया वाला मोबाइल लूँ। देखिए अगर स्पेसिफिकेशन वाइज मैं बोलूँ तो आप फ्लेक्साना मोबाइल ही लेना बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिकेशन है जो चाहे बैटरी हो या प्रोसेसर हो या डिस्प्ले की क्वालिटी हो और भी फीचर की मैं बात करूँ आपको एक जो नया वाला स्मार्टफोन है उससे आपको बेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है नहीं आपको मॉडल मिल जाता है लेकिन जो है स्पेसिफिकेशन है वो आपके जो नए वाले डिवाइस के लिए फ्यूचर आपको प्रोवाइड कर देता है। ये वाले दोनों में से आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इन चीज़ में लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट मैंने खुद यूज़ किए हैं। अभी मेरे पास में रियलमी 16 का मैं यूज़ कर रहा हूँ सेकंड हैंड, वो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है। उसकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है, फ्रेंडली प्राइस इतने ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके आप परचेज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मैं कंटेंट लगातार लाता रहूँगा फ्यूचर में। आपको मैं कुछ आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बता।